दोस्तों नमस्कार, अपने चैनल पे मैं विजय प्रकाश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, अब हम अपनी सफलता के फाइनल स्टेज में हैं, फाइनल राउंड में हैं, जहां एक एक फाउंडर्स को अपनी जीत हासिल होना है। अब आप बोलेंगे फाइनल राउंड कैसे है, अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, इस अप्रैल का ही 1/3 हिस्सा निकल गया, अभी तो ओ कनेक्ट ही नहीं आ सका, फिर फाइनल राउंड कैसे मान ले इसे। दोस्त, ओ कनेक्ट के बाद ओ KYC प्रोडक्ट पैकेजेज, रेफरल लिंक और भी कुछ नए प्रोडक्ट्स, ये सब कुछ करीब एक साथ ही शुरू हो सकते हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यह फाइनल राउंड ही तो होगा हमारे कामयाबी के शुरू होने का। जैसे जैसे इस मंथ से एक एक दिन कम होते जा रहे हैं, उतना ही अधिक बेताबियां बढ़ रहे हैं फाउंडर्स के। पता नहीं जिस बम के गिरने का अनाउंसमेंट किए हैं CEO मिस्टर एस, उसके धमाके होंगे या नहीं इस मंथ में भी। अभी तो OESC अपने नए स्वरूप में नहीं आ सका, बाकी चीजें तो बाद की बातें हैं। दोस्त, जहां इंतजार है मतलब वहां विश्वास है, जहां धैर्य है वहां भरोसा है, समर्पण है। जहां कुछ मिलने का विश्वास ही ना हो फिर हम इंतजार भी किस चीज का करेंगे। जहां हमारे समर्पण ही ना हो, भरोसा ही ना हो, वहां धैर्य किस लिए रखेंगे हम। और जब हमारा विश्वास, भरोसा, समर्पण 100% हो किसी चीज के प्रति, उससे मिलना ही मिलना है, भले थोड़ा देर लगे। दोस्त, किसी को पेशेंस रखने के लिए कह देना कितना आसान होता है, बट उस पेशेंस के साथ जीना कितना मुश्किल होता है, ये उससे पता होता है जिसने धैर्य रखा हो किसी चीज के मिलने का। बट इसी धैर्य के वजह से एक दिन उसके कदम चूमती है सफलता, मगर उस कामयाबी के मिलने तक किसी भी इंसान के लिए धैर्य रखना इतना आसान नहीं होता जितना लोग समझ लेते हैं। अभी कल की ही बात है, एक फाउंडर्स मित्र हैं नूर आलम जी, जिनके बारे में मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था, शायद आपको याद भी होगा। इनके ऊपर 11 लाख के कर्जे हैं और ये दिल्ली में रहकर कोई प्राइवेट जॉब करते हैं, जिससे महीने का बमुश्किल इन्हें 10-15 हज़ार मिलते हैं। दोस्त, जहां आज के समय में पारिवारिक खर्च चलाने में ही 10-15 हज़ार कम पड़ जाते हैं, वहां भला ऊपर से 11 लाख के कर्जे कोई कैसे उतार सकता है या चुका सकता है। बीच में कुछ दिन पहले ये काफी निराश हो गए थे अपनी जिंदगी से, उस वक्त मैंने बहुत समझाने का प्रयास भी किया था इन्हें, इनका कर्जा जल्दी उतर सके इसके लिए इन्होंने एक नहीं बल्कि 3 आइडिया ले लिए ऑन पैसिव के। दोस्त, मैंने इन्हें बहुत कुछ समझाया कि आपकी शायद पूरी जिंदगी निकल जाती तब भी आप 11 लाख के कर्जे नहीं चुका पाते, 10-15 हज़ार महीने की कमाई से परिवार के खर्चे चलाते या फिर कर्जे चुकाते। कम से कम एक ऐसा कॉन्सेप्ट तो मिला आपके लाइफ में जिससे उम्मीदें हैं आपके कर्जे चुकने का, यही है ऑन पैसिव। दरअसल ऐसे ही लोगों के लिए निर्माण हुआ है ऑन पैसिव का, जिनके लिए चारों तरफ कामयाबी के दरवाजे बंद दिख रहे हैं, जो अपनी जिंदगी से हार मान चुके हैं, जिनके जीवन के सारे सपने टूट चुके हैं, जिन्हें अब कोई भी आसरा सहारा नहीं दिख रहा है, उनके अंदर जीने का एक नया उम्मीद जगाया ऑन पैसिव ने। उनके कामयाब होने के इसने सारे दरवाजे खोल दिए, इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर्स बनने का मौका मिला हमें, यह अपने आप में एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन जिन लोगों को लगा था कि हमारे ज्वाइन होने के जस्ट बाद हमारे इनकम स्टार्ट हो जाएंगे, उनके लिए थोड़ा मुश्किल जरूर है ऑन पैसिव के आने का एक एक दिन इंतजार करना, इससे मिलने वाले एपल्स के लिए धैर्य रखना। अभी कल ही फोन कॉल आया था नूर आलम का, कह रहे थे सर जी, मेंबरशिप कैंसिल बटन दबाने से कितने दिनों बाद रिफंड आ जाता है। मैंने पूछा क्यों, क्या हुआ? इन्होंने कहा कि सामने 10 दिन बाद ईद है, ऑन पैसिव के आस में मैं करीब 2 सालों से घर नहीं जा पाया, परिवार से बच्चों से नहीं मिला, सोच रहा था अगर ऑन पैसिव से एप्पल्स मिलने शुरू हो जाएंगे तो इस बार फैमिली के साथ बड़े धूमधाम से मनाएंगे ईद, उन सभी के लिए कपड़े वगैरह लेके जाऊंगा, मिठाइयां लेके जाऊंगा, बट लग रहा है इस बार के भी ईद में हम घर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अगर खाली हाथ गया तो घर वाले भी खुश नहीं होंगे और उधर कर्ज देने वाले भी ये सुनकर धमक जाएंगे कि चलो नूर आलम आ गया है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, इसलिए सोच रहा हूं 3 ID में से 1 ID का रिफंड ले लेता हूं, 7 हज़ार के आसपास तो मिल ही जाएगा GST वगैरह काट छांट के, मिला जुला के कुछ पैसे भेज दूंगा घर, कम से कम ये लोग ईद तो मना सकेंगे। फिर मैंने उन्हें समझाया कि शायद ऊपर वाले भी हमारे इम्तहान पे इम्तहान लिए जा रहे हैं, आज होगा कल होगा देखते देखते सालों निकल गए, बट किसी भी फाउंडर्स के लिए शायद आखिरी उम्मीद है ऑन पैसिव, और जब तक हमारे अंदर एक उम्मीद बन के जिंदा है ऑन पैसिव, हम किसी भी हाल में जिंदगी से हार नहीं मानने वाले, क्योंकि ये सभी को पता है कि सारी परेशानियां सारी समस्याएं तभी तक है हमारे लाइफ में जब तक ऑन पैसिव से हमारे सक्सेस के शुरुआत नहीं हो जाते हैं। दोस्त, मैंने उनसे कहा आपने ऑन पैसिव के फाउंडरशिप लिए हैं तब ने बढ़िया से शानदार तरीके से ईद मनाने के बारे में सोच रहे हैं, या लाखों के कर्जे निपटाने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आने वाले दिनों में लग्जरी लाइफ जीने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आपने इसके फाउंडर पोजीशन लिया ही नहीं होता तब क्या होता, इसके बारे में भी तो कभी फुर्सत में बैठकर सोच लेते, तब शायद इसकी अहमियत के बारे में, इसके वैल्यू के बारे में जरूर अनुमान हो जाता। अरे ऑन पैसिव है तो समझो सब कुछ है लाइफ में, हम इसके फाउंडर्स नहीं होते तब हमें परेशान रहने की जरूरत थी, ऑन पैसिव नहीं होता, हम इसके फाउंडर्स नहीं होते तब शायद कुछ भी नहीं होता हमारे पास,
तब शायद हम उस खूबसूरत जिंदगी के कल्पना भी नहीं कर पाते जो हमें कुछ ही दिनों बाद मिलने जा रहा है। फिर नूर आलम ने कहा कि सर, अगर आपको लग रहा है कि ईद से पहले कुछ एप्पल्स मिल जाएंगे तब रिफंड नहीं लूंगा। इसका रिप्लाई देना तो किसी के लिए भी काफी कठिन है, मुश्किल है दोस्त। जिसके बारे में सिर्फ मिस्टर एस को पता है, भला हम कैसे किसी चीज के होने का गारंटी दे सकते हैं। फिर मैंने उन्हें समझाया कि हो सकता है यह ईद से पहले भी हो जाए, और अगर नहीं भी हो सका तो आपके जीवन का या फिर आपके फैमिली बच्चों के लाइफ का लास्ट ईद तो नहीं है। इसके बाद भी जीवन है, इसके बाद भी ईद आने हैं। उस वक्त तक शायद आप पूरी तरह से फाइनेंशियली फ्री हो चुके होंगे। हमने एक ईद या होली या दिवाली के लिए थोड़े ना ज्वाइन किया है उन पैसिव को, हमें तो और भी हजारों लोगों के ईद होली दिवाली मनवाने हैं। थोड़ा वेट तो करना ही होगा दोस्त। जहां बहुत बड़े कामयाबी के बहुत बड़े अचीवमेंट की बात हो, वहां थोड़ा समय भी लगे तो इससे घबराने वाली बात नहीं है। उसने मेरे बात को मान लिया, रिफंड लेने से मना कर दिया नूर आलम ने। मैंने कुछ ही दिन पहले इन्हीं नूर आलम के स्टोरी शेयर किए थे अपने वीडियो में कि ये कर्जे से तंग आकर अपनी जिंदगी के बारे में गलत डिसीजन लेना चाह रहे हैं, तो कुछ लोगों को यह काल्पनिक स्टोरी लगा था। अब तो टीम चैंपियन के मंच पे भी ढीलन जी से क्वेश्चन होने लगे हैं। कोई कह रहा है कि एक महीने में भी कुछ नहीं हुआ तो अब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो रहे हैं, फिर शायद जिंदगी के बारे में कुछ गलत डिसीजन भी लेने पड़े हमें। ऐसे लोगों को मैंने अपने वीडियो के जरिए भी समझाने का प्रयास किया हूं कि हमने कोई करोड़ों का इन्वेस्टमेंट यहां नहीं कर दिया है जिससे हमारी जिंदगी रुक जाएगी, और अब तो हम अपनी कामयाबी के काफी करीब आ चुके हैं। दोस्त, अगर कोई फाउंडर्स मित्र नूर आलम जी से बात करना चाहता हो तो मैं उनका कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर रहा हूं, जिससे किसी को मेरे द्वारा शेयर किया गया स्टोरी काल्पनिक ना लगे। मोबाइल नंबर है 8617552923। दोस्त, ऐसे न जाने कितने फाउंडर्स हैं जिनके लाइफ में तरह तरह की परेशानियां हैं। वे बस कैसे भी करके चाह रहे हैं कि अगर जल्दी से ऑन पैसिव से एप्पल्स मिलने लगते तो थोड़ा जीना आसान हो जाता, कुछ मुश्किलें कम होती। इसी में कुछ फाउंडर्स ये भी कह रहे हैं कि ऑन पैसिव के आने का हम और 5 साल भी इंतजार करना पड़े तो करेंगे, क्योंकि ऐसा अपॉर्चुनिटी हमें जीवन में दोबारा नहीं मिलने वाला जो हमारे जिंदगी को बदल सके, जो हमें नाम शोहरत दिला सके, जो बिल्कुल शून्य से शिखर तक पहुंचा सके, जो हमेशा के लिए हमारे गरीबी को मिटाकर हमें आर्थिक आजादी दिला सके। बिल्कुल सही बात है, इस तरह की अपॉर्चुनिटी से कामयाबी मिलने का कोई कितना दिन भी इंतजार कर सकता है। लेकिन यह भी सही बात है कि सभी फाउंडर्स के एक समान इकोनॉमिकल कंडीशन नहीं है, सभी के पास इनकम जनरेट करने के कुछ खास स्रोत नहीं है। अगर ऑन पैसिव से उनके उम्मीदों को नहीं बढ़ाया गया होता तो शायद वे कितने दिन भी इंतजार कर लेते इसके आने का, बट हर महीने कुछ होने का उम्मीद उन्हें सबसे अधिक परेशान किए हुए है। इस अप्रैल मंथ को लेकर भी बहुत सारे फाउंडर्स उत्साहित नहीं हैं, जबकि सीईओ मिस्टर एस ने इस मंथ में बहुत कुछ होने का अनाउंसमेंट भी किए हैं। फिर भी बहुतों को यह विश्वास नहीं हो रहा कि इस मंथ में भी कुछ खास हो पाएगा, क्योंकि इससे पहले भी कई सारे घोषणाएं हो चुके हैं, अंजाम लगभग सभी को पता है। दोस्त, ये भी तो हो सकता है कि किसी न किसी तरीके से हमें यहाँ रोके रखने का प्रयास किया गया हो, ताकि आने वाले दिनों में हम अपने सारे सपनों को साकार कर सकें। मिस्टर एस के सोचने का तरीका कुछ और है, जबकि हमारे सोचने का तरीका कुछ और है। दोस्त, हमारे सक्सेस के बारे में बहुत सारे प्लानिंग कर रहे होंगे सीईओ मिस्टर एस, तभी सब कुछ बिल्कुल शांत सा लग रहा है। हो सकता है बहुत जल्दी कुछ बड़ा धमाका होने वाला हो सकता है 1-2 हफ्ते के अंदर हमें वो कनेक्ट भी मिल जाए, हमारे वो KYC भी होने लगे, हम प्रोडक्ट पैकेज भी बाई करने लगे। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अब सब कुछ रेडी है। कोई जरूरी नहीं है कि वो कनेक्ट के पब्लिकली लॉन्च होने के बाद ही ये सब कुछ शुरू हो। ये भी तो हो सकता है कि वो कनेक्ट के OES में आते ही वो सब कुछ शुरू हो जाए जिसके हम इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि ध्यान रखिएगा, हम सिर्फ कस्टमर्स नहीं है ऑन पैसिव के, हम इसके फाउंडर्स भी हैं। वो कनेक्ट पूरे दुनिया के लिए समर्पित होने से पहले हमें बहुत सारे चमत्कारिक दृश्य देखने को मिल सकते हैं, एक एक फाउंडर्स के जिंदगी बदलने शुरू हो सकते हैं। क्योंकि यह CEO मिस्टर एस को भी पता है कि फाउंडर्स को क्या चाहिए, उन्हें किन चीजों की सबसे अधिक जरूरत है, किस चीज के मिलने का वे इंतजार कर रहे हैं। दोस्त, सब कुछ बिल्कुल शांत सा लग रहा है, मतलब हमारे जिंदगी को और बेहतरीन शेप देने पर कुछ महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं। और जहां हम अपनी जिंदगी में दूसरों को सक्सेस दिलाने के लिए, दूसरों को अमीर बनाने के लिए, दूसरों के तिजोरियां भरने के लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, वहां ऑन पैसिव से हमें सक्सेस मिलना है, हमें अमीर बनना है, हमारे वॉलेट भरने हैं, हमारे तिजोरी भरने हैं, हमारी जिंदगी संवरने हैं। क्या हम इतने बड़ी उपलब्धियों के लिए और थोड़ा वेट नहीं कर सकते? दोस्त, अब हम इंतजार करते करते उस पड़ाव पे आ गए हैं जहां हमारे जीत के घोषणा कभी भी किसी वक्त हो सकते हैं। तैयार रहिए अपनी सफलता की ऊंची उड़ान भरने के लिए। उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद।